नाउ टुडेज टॉपिक इज फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक, नाउ व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स? ऑप्टिकल फाइबर इज अ सिलेंड्रिकल वेव गाइड विच डील्स विद द ट्रांसमिशंस ऑफ लाइट। दोज फाइबर्स ऑफ ग्लास, प्लास्टिक्स और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, ठीक, एक सिलिंड्रिकल वेव गाइड होता है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के किसी प्लास्टिक मटेरियल से, पॉलीमिस्टर से, है ना, अदर जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं लाइक ए ग्लास, ठीक, उससे बना होता है। ठीक, जिसमें क्या करते हैं, जिसके अंदर लाइट प्रोपोगेट करते हैं। ठीक, लाइक दिस दिस इज एनी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, माना कि ये जो बना है किसी ग्लास से बना है, ठीक, और प्लास्टिक का है। ठीक, इसके अंदर लाइट क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, प्रोपोगेट करते हैं लाइक अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक, और इसके अंदर जो लाइट प्रोपोगेट करते हैं वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स इन्वेंटर की, मतलब किसने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक, तो इसका इन्वेंशन डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, तो इस फाइबर ऑप्टिक्स का इन्वेंशन डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। ठीक, लेकिन जब 2009 में, है ना, 2009 में नोबल प्राइज की बात करें हम, नोबल प्राइज, ठीक, जब नोबल प्राइज दिया गया तो वो एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, ठीक, चार्ल्स केन काऊ करके, ठीक, चार्ल्स केन काऊ, है ना, ये एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे। ठीक, इनको दिया गया। देखो, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तो बोलते हैं नरेंद्र सिंह परमार को ही, ठीक, क्योंकि इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स को बनाया था। ठीक है, नरेंद्र सिंह परमार है थे तो इंडियन ही, लेकिन एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, तो जो चार्ल्स केन काऊ हैं, चार्ल्स केन काऊ ने क्या बताया, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट कैसे प्रोपोगेट करते हैं, मतलब द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट इन फाइबर फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस के लिए बताया कि कैसे ये इनका यूज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, इसलिए नोबेल प्राइज इनको ना देकर इनको दिया गया। ठीक है, ठीक, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ठीक, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस? ठीक, दिस इज एनी मीडियम, दिस इज एनी मीडियम। ठीक, कंसिडर दिस इज डेंसर मीडियम। ठीक, डेंसर मीडियम, ठीक, एंड कंसिडर दिस इज रेयर मीडियम। ठीक, दिस इज नाम देते हैं एन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एनी परपेंडिकुलर लाइन। लाइट जब डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होता है और रेयर मीडियम में जाता है, ठीक, तो वो इस परपेंडिकुलर लाइट लाइन के थोड़ी दूर हो जाता है ना, ऐसे। ठीक, दिस इज इंसिडेंट वेव,
incident wave, this is refracted wave, ठीक, रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिशन वेव, ठीक। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, माना कि दिस इज एंगल थीटा, इंसिडेंट आई रिफ्रैक्टेड एंगल मेड थीटा, ठीक। माना कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज एन वन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस रेयर मीडियम इज एन टू। तो जब वो रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है, जाते हैं जब ये इंसिडेंट वेव, तो थोड़ा इस लाइन के, इस परमिटर लाइन से दूर हट जाता है, ठीक। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हम इसको थोड़ा थोड़ा और मिला बढ़ाते जाते हैं, तो जब यहाँ पे लाइट जब 90 एंगल से इंसिडेंट होता है, ठीक है, जब ये लाइट यहाँ से इस 90 एंगल से इंसिडेंट होगा, तो ये लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट ना होकर और ट्रांसमिट ना होकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है वहां लाइट का, रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो लाइट का यहाँ रिफ्लेक्शन होना, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये यहाँ पे जो एंगल जो बनाती है ना, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। इसको डिफाइन कर सकते हैं थीटा सी से और फाई ऑफ सी से, ठीक। अगर ये एंगल क्रिटिक, ठीक, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गई, तो उससे थोड़ा और ज्यादा मिला है, तब इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट वेव क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक। देखो, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक, द रेशियो ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वन, दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इस साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। इस माना की जो इंसिडेंट एंगल है साइन थीटा सी, देन रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इज साइन 90, ठीक, देन इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल वन, तो एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू साइन थीटा सी, दैट मीन्स दिस इज अ एक टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए साइन थीटा सी के लिए फॉर्मूला है, ठीक। अब देखते हैं बैक टू द ऑप्टिकल फाइबर। देखो, ऑप्टिकल फाइबर आर ग्लास और अ प्लास्टिक पाइप एज अ थीन एज ह्यूमन एयर, एंड क्या होता है, लाइट उसमें प्रोपोगेट करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो ह्यूमन हेयर से भी बहुत पतला होता है, ठीक है। देख, अब जैसे जैसे एक लाइट इंसिडेंट कर रही है ना, दिस इज एनी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक, लेट कंसीडर दिस इज एनी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, दिस इज एनी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। तो यहां से माना कि लाइट को, ये जो लाइट है, जो दिस इज लाइट सोर्स, क्या कर रही है, लाइट यहां से इंसिडेंट कर रही है ना, इस लाइट सोर्स से यहां से इंसिडेंट करती है। तो लाइट सोर्स जैसे एंटर करेगी यहां पे, ठीक, तो क्या होगा, इस लाइट सोर्स का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इस और जो टोटल लाइट जो है इस जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ आएगी, सीधा आउटपुट में आएगी, ठीक। दूसरी लाइट भी सेम अलग एंगल से आएगी, ठीक, अलग एंगल से जिगजैग पाथ के, तो ऐसे ही बहुत सारे लाइट इसमें जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ आएंगे, आउटपुट में आएंगे,
है ना, तो इसका क्या होगा, मतलब इस लाइट का क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, अपने साइड वॉल से, ये जो साइड वॉल्स हैं उनसे क्या हो रहा है, इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, तो देखो ऑप्टिकल फाइबर में मेन तीन रीजन होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मेन थ्री रीजन होते हैं। ठीक, तो बात करते हैं पहला, फर्स्ट रीजन को बोलते हैं, एक कोर होता है, क्लैडिंग। ठीक, द थर्ड पार्ट इज अ सेथ। ठीक, बात करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, वन सेकेंड एंड ए थर्ड, दिस इज थ्री लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, दिस इज आइनर मोस्ट रीजन। ठीक, देखो इसको बोलते हैं अपन कोर। ठीक, दिस इज आइनर मोस्ट रीजन, इसको बोलते हैं कोर। ये कोर जो बना होता है वो किसी ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमेटर, है ना, इन सब का बना होता है। ठीक है, ये रीजन क्या करता है, जो वेव आते हैं, जो वेव आते हैं ऑप्टिकल वेव, उनको पाथ प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स गाइड करता है। तो इसका जो डायमीटर होता है ना, इनका जो डायमीटर होता है वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। ठीक, माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। ठीक, दिस इज अ सेकेंड रीजन। ठीक, दिस इज अ सेकेंड रीजन, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये भी क्लैडिंग भी ग्लास, किसी ग्लास या पॉलिस्टर का बना होता है। ठीक, ये क्लैडिंग क्या करता है, इस कोर को प्रोटेक्ट करता है। कौन? क्लैडिंग। ठीक, इसका जो डायमीटर होता है वो 100 से लेके 200 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, ये जो थर्ड आउटर मोस्ट रीजन, ठीक, ये होता है सेथ। ठीक, इसको ऐसा शील्ड भी बोलते हैं। ये जो शील्ड होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इन दोनों को भी प्रोटेक्ट करता है। ये भी हाईली डेकोरेटेड ग्लास और किसी भी प्लास्टिक्स के बना होता है। ठीक, अब देखो कोर है, इस जो लाइट जो प्रोपोगेट करता है इन कोर के अंदर से प्रोपोगेट करता है, मतलब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कोर के अंदर होता है। ठीक, तो जो कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माना N1 है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका है N2। तो देखो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है कोर का वो ग्रेटर देन 2 होता है N2। इसलिए ग्रेटर देन लिखते हैं, क्यों, ज्यादा से ज्यादा है ना, या मैक्सिमम जो लाइट है का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो वो इस रीजन से हो। ठीक, किस रीजन से, कोर से हो, इसलिए क्या करते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जो है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन टू N2। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लाइट का इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ठीक, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सनलाइट एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ
लाइट एंड प्रोपोगेट वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन लाइट, ठीक। तो दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। जो कोर है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बना सकते हैं, ठीक, जैसे पॉलिस्टीरीन, ठीक, और बोल सकते हैं इसको पॉलीमिथिल मेटा एक्रिलेट, ठीक है। तो अगर हम इसका कोर बनाए हैं, ठीक, तो कोर इसका बनाया है तो इससे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का हमको क्लैडिंग बनाना है, लाइक अ सिलिकॉन और टेफ्लॉन, ठीक, इसका क्या बन जाएगा, क्लैडिंग बन जाएगा, ठीक। अगर वही हम बात करें तो जो ग्लास है ना, जो ग्लास है वो किसका काम कर लेगा, सिथ का काम कर लेगा, ठीक है। जैसे हमको किसी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ाना है या कम करना है तो देखिए बोरॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, ठीक, ये क्या करते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी सिलिका अगर कोई मटेरियल है सिलिका का, उस पर अगर हम जर्मेनियम मिलाते हैं, है ना, कोई सिलिका मटेरियल है ना, कोई सिलिका का मटेरियल है, उसमें जर्मेनियम ऑक्साइड की जो क्या बनाते हैं, और फास्फोरस और क्या बनना चाहिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना, ये सब दोनों क्या करते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इन मटेरियल का यूज किसके लिए कर सकते हैं, कोर का कर सकते हैं, कोर के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो फिर क्लैडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सिलिका मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, ठीक। अगर सिलिका में हम जर्मेनियम ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिला देते हैं, ठीक, तो वो कोर का काम कर लेता है। अगर उसी कोर काम अगर इनका यूज किया तो सिलिका को हमको किसका यूज करना पड़ेगा, क्लैडिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये दोनों क्या करते हैं, अगर इसकी इम्प्यूटेस हम सिलिका मिलाते हैं तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देते हैं, ठीक। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर हम उसी में बोरी, है ना, लाइक बोरियम, इसका फॉर्मूला होता है B2O3, अगर हम इसमें सिलिका का अगर ये मिला देते हैं, सिलिका में अगर इसका मिला देते हैं, है ना, इस मटेरियल को डोप्ड कर देते हैं, तो ये क्या करता है, ये डोप्ड मटेरियल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को कम कर देता है। तो सिलिका में अगर इसको मिलाते हैं तो ये क्या करता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को कम कर देता है। तो ये काम करेगा इस केस में, ये काम करेगा कोर का, और ये काम करेगा पूरा किसका, क्लैडिंग का, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट के मटेरियल को डोप करके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोर क्लैथ क्या है, कोर क्लैडिंग और सेथवेथ का यूज कर सकते हैं, ठीक। देखिए जब लेजर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, है ना, तो जब लेजर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो ये जो लाइट प्रोपोगेट करते थे उसका जो कम्युनिकेशंस नेटवर्क जो बनते थे या केबल्स का जब यूज करते थे उसमें बहुत बड़े बड़े केबल्स यूज होते थे, ठीक है, बहुत मोटे बड़े बड़े केबल्स यूज करते थे, ठीक, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए ज्यादा पाथ की या ज्यादा की जरूरत पड़ती थी, ठीक। जब 1960 में, है ना, 1960 में लेजर का इन्वेंशन जब हो गया, लेजर का इन्वेंशन जब हो गया 1960 में, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत बढ़ गई, मतलब जो कम्युनिकेशंस डाटास थे वो क्या हो गई, इसके खोज के कारण कम्युनिकेशन इजली होगा या डाटा आसानी से ट्रांसफर हो गया। उसके पहले एक लाइन थी, एक केबल लाइन थी, है ना, किसकी, एयरबोन लाइट ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, है ना, इसने एक केबल बनाया था, ठीक है, केबल का नाम था ALOFT, ठीक, ये कब की बात है, 1973 की बात है, ठीक है। तो ये केबल कितना था, 302 केबल्स इसमें यूज हुए थे, ठीक है ना, 302 केबल्स यूज हुए थे, और इनका वेट मैक्सिमम 40 केजी था, ठीक। जब लेजर का इन्वेंशन करके जब इन्हीं केबल को रिप्लेस करके कितना केजी का, बस 1.7 केजी का केबल्स बनाया गया, उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उतने ही डिस्टेंस के कम्युनिकेशंस को या डाटास को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया गया जब लेजर का इन्वेंशन हो गया था, ठीक।
आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।